साथियों, गरीब को मिलने वाली ये सुविधाएं उसके जीवन में डिग्निटी ला रही है, उसकी गरिमा बढ़ा रही है। जो गरीब कभी शौच के लिए खुले में जाने को मजबूर था, अब गरीब को जब शौचालय मिलता है तो उसे डिग्निटी भी मिलती है। जो गरीब कभी बैंक के भीतर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, उस गरीब का जब जनधन अकाउंट खुलता है तो उसमें हौसला आता है, उसकी डिग्निटी बढ़ती है। जो गरीब कभी डेबिट कार्ड के बारे में सोच भी नहीं पाता था, उस गरीब को जब रुपए कार्ड मिलता है, जेब में जब रुपए कार्ड होता है तो उसकी डिग्निटी बढ़ती है। जो गरीब कभी गैस कनेक्शन के लिए सिफारिशों पर आश्रित था, उसे जब घर बैठे उज्ज्वला कनेक्शन मिलता है तो उसकी डिग्निटी बढ़ती है। जिन महिलाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक नहीं मिलता था, जब सरकारी आवास योजना का घर उनके नाम पर होता है तो उन माताओं बहनों की डिग्निटी बढ़ती है। साथियों, बीते वर्षों में देश ने अलग अलग वर्गों में अलग अलग स्तर पर हो रहे इनजस्टिस को भी दूर करने का प्रयास किया है। दशकों से मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के खिलाफ कानून की मांग कर रही थी। हमने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को नया अधिकार दिया है। मुस्लिम महिलाओं को हज के दौरान महरम की बाध्यता से मुक्त करने का काम भी हमारी ही सरकार ने किया है। साथियों, भारत की नारी शक्ति के सामने आजादी के इतने दशकों बाद भी अनेक रुकावटें बनी हुई थी। बहुत से सेक्टर्स में उनकी एंट्री पर पाबंदी थी, महिलाओं के साथ इनजस्टिस हो रहा था। आज महिलाओं के लिए काम के अनेक सेक्टर्स को खोला गया है, वो 24 घंटे सुरक्षा के साथ काम कर सके, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देश ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भारत आज करियर वुमेन को 26 हफ्ते की पेड मैटरनिटी लीव दे रहा है। साथियों, जब उस महिला को 26 सप्ताह की छुट्टी मिलती है ना, वो एक प्रकार से वो नवजात बच्चे के अधिकार की रक्षा करता है। उसका अधिकार है उसकी मां के साथ जिंदगी बिताने का, वो अधिकार उसको मिलता है। शायद अभी तक तो हमारे कानून की किताबों में सारे उल्लेख नहीं आए होंगे। साथियों, बेटियों की सुरक्षा से जुड़े भी अनेक कानूनी कदम बीते सालों में उठाए गए हैं। देश के 700 से अधिक जिलों में वन स्टॉप सेंटर्स चल रहे हैं, जहां एक ही जगह पर महिलाओं को मेडिकल सहायता, पुलिस सुरक्षा, साइको सोशल काउंसलिंग, कानूनी मदद और अस्थायी आश्रय दिया जाता है। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की जल्द से जल्द सुनवाई हो, इसके लिए देशभर में 650 से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई गई है। रेप जैसे जघन्य अपराध के लिए मौत की सजा का प्रावधान भी किया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।